नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बुलेटिन की। खबर बुलंदशहर से है, जहां एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या करके युवक का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और शव को जंगल में फेंक दिया गया। आपको बता दें कि सिर ना मिल पाने की वजह से युवक की पहचान नहीं हो सकी है। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां गंगा की ढांग पर संदिग्ध हालत में एक लापता बच्चे का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। थाना कोतवाली नगर के चौकी बिदुभुट्टीगंज क्षेत्र में कश्यप मोहल्ले के पीछे वन विभाग की जमीन पर जहाँ झाड़ियाँ हैं, वहाँ एक बच्चे का शव बरामद हुआ, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष है। शव पर कोई चोट के निशान नहीं है, मुंह से उसके झाग आ रही थी। यह तथ्य संज्ञान में आया कि बीती रात 10 बजे वह बच्चा खेलने के लिए और बच्चों के साथ गया था, घर पे नहीं लौटा। सुबह उसका शव वहाँ पर देखा गया, पंचायतनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभियोग का पंजीकरण करके अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मामला बिजनौर से है, जहां एक इत्र व्यापारी के कारखाने में जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। इत्र कारोबारी का नाम बबुआ गुप्ता बताया जा रहा है, जिनके फर्म में छापेमारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक लाखों रुपए की जीएसटी चोरी का मामला बताया जा रहा है। खबर बलरामपुर से है, जहां बरसात के दिनों में नेपाल सीमा से सटे सड़कों पर घूम रहे छुट्टा जानवरों ने किसानों को परेशान कर दिया है। इन जानवरों से परेशान होकर कुछ दिनों पहले पचपेड़वा थाना परिसर में सैकड़ों गायों को कैद कर लिया गया था, लेकिन फिर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया। किसानों की फसल की बर्बादी को देखते हुए प्रशासन ने 2 नए गौशाला केंद्र खोलने का फैसला किया है। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। जहां मरीजों का बेड फर्श पर किया जाता है, साथ ही अस्पताल में डॉक्टर भी समय पर नहीं बैठते हैं, जिसके चलते मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। वहीं अस्पताल परिसर इतना गंदा है कि यहां भर्ती मरीजों को डेंगू और मलेरिया होने का खतरा तय है। अगली खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां जिला प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी पर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 14A के तहत कार्रवाई कर मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी की 50 लाख की अवैध जमीन कुर्क की है। खबर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से है, जहां खड़खोला गांव के एक घर से कुछ अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े 60,000 रुपए की नकदी सहित घर के गहनों की चोरी कर ली। आपको बता दी कि घर में बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी। मंगलवार को वह अपने पड़ोस के गांव गई थी और इस दौरान उनके घर से चोरी हो गई। ग्राम पंचायत खड़कोला की निवासी हैं भाती देवी, उनके द्वारा शिकायत किया गया कि उनके मकान में चोरी हुआ है और उनके कुछ गहने और लगभग 60,000 रुपए की धनराशि का चोरी हो गया है। संबंधित पट्टी पटवारी को उसने मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। 24 घंटे के भीतर उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके पश्चात उसमें जांच की जाएगी। संगीन प्रकरण अगर सामने आता है और जांच करने में पुलिस विभाग का सहयोग भी अपेक्षित होगा, तो उस संबंधित प्रकरण को पुलिस विभाग को भी हस्तांतरित किया जाएगा अग्रिम जाँच की। सर, यहाँ पे पटवारी के बाद जिनके पटवारी के हड़ताल की वजह से ये कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो आगे आपने उप जिलाधिकारी से बात करके और क्षेत्रीय विधायक जी ने भी इस पे संज्ञान लिया है क्या? अभी माननीय विधायक जी ने भी इसके बारे में मुझे अवगत कराया था कि ये गंभीर प्रकरण है, उसको देखते हुए उप जिलाधिकारी पौड़ी को निर्देश दिया है कि इसमें जो है नियमानुसार जांच करते हुए प्रकरण में वाद। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।